आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अभी रात के 9 बज रहे हैं और रात को 9 बजे मैंने वीडियो बनाया और सोचा कि चलो एक ब्लॉग हो जाएगा। वो बनाया इसीलिए क्योंकि घर वाले जो हैं इन लोगों को आज मैं पार्टी देने वाली वाला भाई इसने बोला कि दीदी आपका सिल्वर प्ले बटन आया है उसकी खुशी में आप हमको पार्टी दे दो, तो आज खाना नहीं बनाएंगे हम लोग बाहर का कुछ खा लेंगे। तो इसीलिए अब आज मैं जा रही हूँ, इन लोगों को सबको चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है, चाइनीज़ यानी फ्राई राइस और ये सब चीज़ें, तो जा रही हूँ दुकान पे लेने के लिए और सिल्वर प्ले बटन की खुशी में हमारी छोटी सी पार्टी करेंगे। तो सोचा कि आप लोग को भी दिखा दिया जाए। अभी ये वाला छोटा वाला भाई जो है सो रहा है। अभी ये बीच वाला भाई अब इसको अब ये पानी लेने के लिए जाएगा और जो छोटा वाला भाई है वो मेरे साथ जाएगा। हम लोग जाएंगे अभी चाइनीज लेने के लिए, फ्राई राइस और थोड़ी बहुत चीजें और हैं। संदीप उठ उठ जा। तो अभी हम चलते हैं दुकान पे और फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। हाँ अच्छा नहीं है क्या? ये हम लोग दुकान पे आ चुके हैं। आप देखते हैं इसमें से मेन्यू देख लेते हैं फिर खाने का ऑर्डर करते हैं हम लोग। रंजित क्या खाएगा? मेरे को जो मिल जाए वही खाऊंगा मैं, क्योंकि बस मुझे खाने का कुछ तो चॉइस होगी ना तेरी। ऑर्डर हमने कर दिया है। क्या ऑर्डर किया बाबू? हमने पाव भाजी ऑर्डर किया है और फ्राइड राइस। फ्राइड राइस अभी चाइनीज मंचूरियन सब ऑर्डर करेंगे खाने के लिए बात। हाँ हाँ सब कुछ खाएंगे, जो ये बोल रहा है ना वो सब कुछ खाने वाला है, लेकिन पैसा यही देगा। मेरे पास नहीं इतना पैसे। पैसा है ना मेरे पास, आया हूँ बहुत सारा। दिखा दिखा। अरे बाप रे, पैसा ही पैसा है इसके। होटल के अंदर आए थे ना तो यहाँ पे ऑर्डर हमने कर दिया है, उनको दिखा नहीं पाए क्योंकि ना सबके सामने वीडियो बनाने में थोड़ा सा शर्म आती है। बाबा माता से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो शर्म है ना मेरे अंदर को निकालो, ताकि मैं ओपन बोल के अपना ब्लॉगिंग करूँ और बिना कोई झिझके बोलूँ। मैं थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है कि देख रहे हैं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेरा कर्म है वो तो करना ही है, तो कुछ भी सोचे। तो जब वो सामने आया ना तो मैंने वीडियो बंद कर दिया, तो वो देख के हंसने लगे। यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन बनता है ना बाबू? मैं ये सब मैं बचपन से नहीं खाता हूँ, और मेरे घर वाले को दादा नहीं, बहुत दिन हो गया, साल हो गया। साल नहीं, दो ढाई साल से ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, तीन साल। हम लोग तो खाते ही नहीं थे और घर वाले तो भी छुड़ा दिए। जैसे कि हमारे घर पे हम जितने भी भाई बहन हैं हम लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन पापा और मम्मी नॉनवेज खाते थे। लेकिन जैसे अंदर बाहर से जुड़े ना, तो दो साल से पूरी तरह से घर में कोई खाता ही नहीं। अभी तो लहसुन प्याज भी खाने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करे, सब छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद इतना है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, पूरा परिवार मेरा छोड़ दिया और प्योर वेजिटेरियन। अभी हम जिस रेस्टोरेंट में आए हैं ये हमारे घर से 1 मिनट की दूरी पे है, और सिर्फ 1 मिनट, और प्योर वेजिटेरियन है ये। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, पूरा ये मेन्यू में जो जो लिखा है सब अभी अवेलेबल है। तो बहुत दिन हो गया था मंचूरियन और फ्राई राइस खाने का दिन था, तो आज हम वही आए अचानक हम खाने के लिए। ये हमारा फ्राइड राइस आ चुका प्योर वेज, और ये इसके साथ में कुछ चीज़ें दी हुई है और ये चटनी। तो इसको देख मेरी भूख और बढ़ गई है, अब फटाफट हम खा लेते हैं। तो देखते ना मेरी भूख और बढ़ गई।
ये हमारा पाव भाजी भी आ गया, भाई फ्राइड राइस खा रहा है, टेस्टी बाबू, मजा आ रहा है। भैया ये हक्का नूडल्स एक प्लेट कर दीजिए, ये अपने खाने के लिए पार्सल। कैसा लग रहा है बाबू पाव भाजी? मजा आया? पैसा दे बाबू, जो दी 500 रुपया। खत्म, ये खा ले।